मणिपुर के उखरूल कस्बे में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान भीड़ ने एक पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और हथियार लूट लिए। अधिकारियों ने गुरुवार को इम्फाल में यह जानकारी दी। कस्बे में स्वच्छता अभियान के तहत एक विवादित भूमि की सफाई को लेकर बुधवार को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हिंसा के दौरान पुलिस थाने पर हमला किया गया। नागा समुदाय के दो गुटों के बीच झड़प के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। यहाँ एक अधिकारी ने बताया कि उखरूल कस्बे में हिंसा भड़कने के बाद अधिकतर युवाओं की भीड़ ने विनो बाजार स्थित पुलिस थाने पर दावा बोल दिया और सरकारी हथियार लूटकर भाग गए। अनाधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि AK-47 और इंसास राइफलों को लूटा गया है। जातीय संघर्ष से ग्रस्त इस राज्य में पहले भी विभिन्न पुलिस स्थानों से हथियार लूट की खबरें आई थी, लेकिन उन सभी मामलों में आपस में एक दूसरे के विरोधी मैतेई या कुकी समुदाय का प्रभुत्व था। यहाँ एक सूत्र के अनुसार नागा बहुल क्षेत्र में किसी पुलिस थाने पर पहली बार हमला किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एल कॉलून ने बुधवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने तथा हथियारों और गोला बारूद की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भूखंड विवाद मामले में दोनों पक्षों के लोग तांगखुल नागा समुदाय से हैं और वे अलग अलग गांव के हैं। ये दोनों पक्ष उस भूमि पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। विवाद के बीच 3 मृतकों में से एक मणिपुर राइफल्स का ड्यूटी पर तैनात कर्मी था। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को इम्फाल के एक अस्पताल में रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उखरूल जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल को भी जिले में भेजा गया है।